भाई लोग, आज दिल्ली का मौसम थोड़ा धुंधला है, जिसका रीज़न है ठंड में पड़ने वाला कोहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला पॉल्यूशन। और ऐसे मौसम में हम घर से निकल कर आए हैं हुमायूं का मकबरा देखने। ये वही मकबरा है जिसको देखकर आगरा का ताजमहल बनाया गया था। और हुमायूं टॉम्ब के अंदर मुग़ल डायनेस्टी की 150 रॉयल कब्रें हैं, इसलिए इसको मुग़ल डायनेस्टी का ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। पर अगर आप दिल्ली विज़िट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ज़रूर एक बार आना चाहिए। और यहाँ पर आप ईसा खान मकबरा भी देख सकते हो और हुमायूं टॉम्ब भी देख सकते हो। दोनों चीज़ें एक ही जगह पर सिचुएटेड है। रिस्टोरेशन का काम हमेशा यहाँ पर चलता रहता है। दिल्ली का ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर आगा खान ट्रस्ट इसको जो है मेंटेन करती है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर फाउंटेन हुआ करता था और बीच में पानी फ्लो होता था, पर अभी रिस्टोरेशन के काम की वजह से वो चीज़ें यहाँ पर बंद कर दी गई। हालांकि आज के टाइम में सब कुछ सूखा पड़ा है, पर थोड़े टाइम बाद इसका रिस्टोरेशन होगा और ये भी वापस चालू हो जाएगा। अब इसका जो बेस फाउंडेशन है हुमायूं टॉम्ब का, इससे इंस्पायर होकर ही ताजमहल को बनाया गया था और ये मेन बिल्डिंग थी जिससे बाकी के मुगल मॉन्यूमेंट्स इंस्पायर हुए थे। हालांकि ताज के अंदर मार्बल का यूज़ हुआ है और इसके अंदर रेड सैंडस्टोन का। अब इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद जो मेन बिल्डिंग है, हम उसमें एंटर होंगे। हुमायूं टॉम्ब के चारों तरफ आपको काफ़ी सारे गार्डन्स नज़र आएंगे और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये पहला टॉम्ब था जिसके अंदर गार्डन्स बनाए गए थे। इससे पहले किसी भी टॉम्ब के अंदर गार्डन्स नहीं बनाए जाते थे। हुमायूं टॉम्ब के अंदर काफ़ी सारे डोम्स हैं और उनके नीचे अलग अलग ग्रेव हैं, पर जो बादशाह हुमायूं की ग्रेव है वो सेंट्रल डोम के नीचे है। और यहाँ पर जो सेंट्रल डोम है, उससे पहले के टाइम पर एक सोने का झूमर लटका करता था जिसको नादिर शाह बाद में चुरा कर ले गया, या फिर कुछ चीज़ों को ब्रिटिश भी यहाँ से चुरा के लेके गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बाकी की ग्रेव्स हैं और जो मेन ग्रेव है वो है सेंट्रल डोम के नीचे। ये है हुमायूं टॉम्ब का सेंट्रल डोम जिसको हाल ही में रिस्टोर किया गया है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हो ये है बादशाह हुमायूं की ग्रेव। तो दोस्तों, आज के सफ़र में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में।